When God created the souls, all souls assembled before Him in different rows in front of Him. The first row contained souls of messengers of God, prophets. And it was there and then that god had decided what souls of common human beings would be nation of what prophet or messenger of god. it was decided there and then. पहली रो में सारे प्रॉफिट सारे मैसेंजर थे अब उधर जो है फिर अल्लाह ने डिसाइड किया कि अब ये इंसानों की जो रूहें किस को किसके साथ लगाना है तो अब उसने क्या किया फिर उसके लिए उसने ये नहीं कहा कि तुम मोसा के साथ लग जाओ तुम ईसा के तो नहीं ये तो ज्यादा हो जाती है ना तो फिर हुआ क्या था उसने सबसे पहले जो इजहार किया था ना अपने नामों के नूर का इजहार किया हुआ था तो उसने क्या किया पहले जो है उसने इसमें जात का जो नूर था उसको जो है उसका इजहार किया उसका जब इजहार हुआ तो जो जो रूह उसकी जद में आ गई जो जो रू उसकी सद में आ गई उनको कहा कि ये अलग हो जाए जो उसके सद में आ गए अब वो इसमें जात वाले थे इसमें जात हुजूर पाक को दिया हुआ था तो कहा नाम लगा के कि ए हबीब जिस जिस रूह में इसमें जात चमक रहा है वो तेरा उम्मती है फिर उसने जो है दूसरे असमां का इजहार किया तो कैसा हो रहा था जैसे यहां पर यह भी कहो जैसे यहां पर वो पटाखों की रात होती है हाँ तो ऐसा वहां पर पटाखे चल रहे थे क्यों जी? हाँ। फिर ये जुमला कहाँ से हमको पता चला एक दफा इमाम मेहदीम ने फरमाया कि हमने इसमें ज़ात की कुंजी फिजा में फेंक दी है यही जुमला हमने अर्श पे सुना यही जुमला अर्श पे सुना चलो देखो अजल में क्या हुआ था तो अजल में जब देखा तो उधर भी रब ने कहा कि अब मैं ये कुंजी आसमान में फेंक रहा हूं फिजा में जो जो इसकी जद में आ गया वो उसका हो गया समझ में आई बात यू फेंका तो यार का इजहार हुआ यार का नूर जिन रूहों पर पड़ा तो कह दिया कि भाई मूसा के पास है यार तुम चले जा। उसके बाद या कुछ दूसरों का नाम फेंका जो जो उसकी सद में आ गए ईसा के साथ चले जाओ क्यों जी तो अब वो जो रूहे थी वो उनकी उम्मीद उम्मीती बन गए ना इसलिए हजूर पाक ने कहा मैं यहाँ आने से पहले भी नबी था किधर नबी थे योम अजल में नबी थे ना अब ये सारी उम्मतें उम्मतें बन गई क्यों जी सारी उम्मतें उम्मतें बन गई सारी और जो दुनियादार वालों जो वाले जो थे उसके ऊपर जो है उसने अपने गजब का जो है वो इजहार किया जो जो उसकी छींटे जिसके ऊपर पड़े उन्होंने ही फिर बाद में दुनिया को पसंद किया अब यह भी ठिकाने लग गए अब एक बहुत बड़ा मजमा रूहों का अभी भी खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ था अब उधर जो रब था वो ये सोच रहा था कि ये मजमा रह कैसे गया इसमें जात का इजहार हुआ ये उसकी जद में नहीं आया या रहमानों का इजहार उसकी जद में नहीं आया ये या कुछ दूसरों का इजहार उसकी जद में फिर ये ये किधर जाएगा अब इतने में फिर जो है एक नूर का गोला फटा इतने में नूर का गोला फटा जो उसकी जद में आ गया उनको कहा तुम इधर आ जाओ तो वो आ गए तो उन्होंने कहा जी हमारा इमाम कौन है उसने फिर कहा इंतजार करो उसने कहा इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं तो ये जो नूर का गोला जो फटा था इसके ऊपर कोई नाम नहीं था लेकिन इसकी चमक इसमें से भी ज्यादा थी ये जो नूर का गोला फटा ना इसकी चमक ज्यादा थी वो यू फटा जैसे सूरज निकल आता है जो जो उसकी जद में आ गया वो क्या हुआ पूछो है? पूछो ना फिर जब वो नूर का गोला फटा तो उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ दुनियादार जो रूहें थी दो चार किरने नूर की उन पर भी पड़ गई वो इतना ज्यादा उसमें नूर निकला कि हद निगाह से दूर जो औरतों की रूहें खड़ी थी जहां पे वहां तक भी उसकी किरणें पहुंच गई वहां पर भी उनकी किरने पहुंच गई अब वो दो की जद में आ गए पहले वो गजब की जद में आए उसके बाद जब नूर का गोला फटा तो वो बहुत जोर आवर था जो पहले से जद में आए हुए थे उनके ऊपर भी किरण पड़ गई नूर की बात सबको समझ में आया बात इसीलिए जो है वो उधर कहा कि जिन लोगों ने इमाम मेहदी का प्रचार करने वालों का गुनागारों ने साथ दिया वो भी बड़े बड़े मरतबे पर फायज हो जाएंगे उन गुनागारों ने जो इमाम मेहदी के मानने वालों का साथ दिया वो वही लोग थे जो वहां गोले की जद में आ गए थे वो जो नूर का गोला फटा था ना वही और वही नूर का गोला जो है फिर जब इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे वो नूर का गोला उनके कदमों में होगा इसलिए जिसके भी दिल में नूर होगा हाँ, वो सबसे पहले उनके कदमों की तरफ झुकेगा क्यों झुकेगा भाई अजल में नूर के गोले की सदमे आ गए थे ना वो ये तालीम किताब में नहीं है अब वो जो नूर का गोला फटा ये भी जद में आ गया वो भी जद में आ गया अब उस नूर के गोले से जो श्वाई निकली नूर के गोले से जो श्वाई निकली उसका जो मरकज था उसका जो मरकज था जहां पटा वो उसका जो मरकज था ना तो उसके मरकज के बीच में वो जो रू थी वो बहुत ज्यादा मुनफर हो गई फिर उसके चारों तरफ एक घेरा लगा हुआ था उस पर पढ़ के उछली हैं ग्यारह बारह जो रूए थी उन वो उसके सद में आ गई कुछ समझ में आ रहा है बात तो ये जो नूर का गोला फटा ये क्या था ये नूर का गोला न तिफरे नूरी था न जुस्से तोफी के लाई था ये जो था अलरा था अलिफ से अल्लाह लाम से नफी है बाकी सबकी और रा वो उस के नाम का पहला हर्फ है समझ में आ गई बात अब जो जो उसकी जद में आया है उसे यहाँ आना है ये बाकी तो खाना पूरी है खाना हाँ बुरी है ये <coughs> क्यों है क्योंकि जद में रू आई थी ना और रू बंद है दिल में इसलिए फिर सबको जिक्र के जिक्र कल्ब से गुजरना पड़ेगा वो जो रू है ना वो दिल के अंदर बंद होती है ना ये लताइफ एक दूसरे के अंदर बंद करके रखे हैं ये जो लताइफ है एक दूसरे के अंदर वो जो था ना सूरह यूसुफ था उसमें जो कहा था कि सात कमरों में बंद है वो इसी तरफ इशारा था वो इशारा इसी तरफ था कि उस कमरे के बाद वो कमरा उस कमरे के बाद वो कमरा उस कमरे के बाद वो कमरा फिर तुझे जो है वो विशाल हासिल होगा ये भी वही चीज है अब जिस पे तजल्ली पड़ी हुई है गोले की वो रू अंदर बंद है इसलिए सबको जिक्र कल्ब से गुजरना पड़ेगा जिक्र कल्ब से गुजर के फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रू तक पहुंचेगा जब रू तक पहुंच गया तो दीन लाई में दाखिल हो जाएगा इधर से इधर से गुजरना पड़ेगा ना क्योंकि जो तजली की गोले की जद में आई ये चीज वो कलब तो था ही नहीं भाई ये जो रू थी ये गोले की में तो उस वकत से आई हुई है जब तक जो है उस वकत ना तो आदम था ना हुआ था क्यों जी? उस वक्त ना इब्राहिम था ना मूसा था उसे तो कोई था ही नहीं यहां तक कि उस वक्त तो इला भी नहीं था अब इन्होंने जमीन पे आके पता लगाना है कि इनके ऊपर जो है कौन सी बारिश हुई थी या खुदूसरों का यू यूं समझो कि पटाखा फूटा जो उसकी जद में आ गया वो ईसा के साथ लगा दिया जो यार मानो के उसमें आया चलो तुम उधर चले जाओ जो इसमें ज़ात अल्लाह के साथ आया उनको हजूर के पास लगा दिया आखिर में फिर एक बड़ा गोला फटा उसमें कोई नाम नहीं था उस बॉल का नाम क्या है बॉल ऑफ लव उसको वहां पर कहते हैं कुर्रे इश्क भूलना नहीं बॉल ऑफ लव उसको कहते हैं कुर्रे इश्क तो बस उसको जो उसकी सदमे आ गया है ना तो उसको सुकून ही इस पैगाम में मिलेगा उसको किसी और चीज में जो है मजा नहीं आएगा उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो गलत है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है मुझे आगे जाना है कोई और चीज है मेरे लिए उसको इसमें मजा आएगा अब तुम नीचे आ गए अब किसको क्या खबर कौन है अब नीचे आ गए तुम तुम सारे तुम्हारी जो रूहें थी अब ये इन्होंने शादी की इनके यहाँ कोई बच्चा हुआ अभी तो कुछ नहीं पता कौन है फिर वहां से वो भेजेगा रू वो रू जमीन पे आ गई क्यों जी अब वो रू जो जमीन पे आ गई उधर तो खुश थी हशाश बशाश थी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कमरा हो जिसके अंदर खून ही खून पड़ा हुआ हो जगह जगह और तुम वहां आराम से जाके बैठ जाओ तुम्हें कराहियत ना हो ऐसा हो सकता है नहीं ना तो वो रूह जब इस खून वाले जिसम के अंदर गई बेहोश हो गई ना क्यों पहले तो उनका जो माहौल था वो नूरानी था नूर वाला था तो अब जो अंदर गई है जिसम के अंदर उन्होंने डाली है तो वो तो खून है बदबू है ब्लड है ब्लड डर्टी उसमें जब गई तो बेहोश हो गई तो अब करना क्या है अब उसको उस ब्लड से उसका ताल्लुक तोड़ना है तो सबसे पहले तो उसको अल्लाह अल्ला में लगाते हैं हाँ सबसे पहले उसको अल्लाह अल्ला में लगाते हैं वो अल्लाह अल्लाह से नूर जो है मिलता है उसको तो लगता है कि अब ऑक्सीजन थोड़ी आ रही है उसके बाद जो है वो रूह जोर जोर से अल्लाह करने लगती है जोर जोर से उछलती बेचैन होती है बहुत बेचैन होती है वो कहती है कि मुझे निकालो इधर से वो सोल की जो बेचैनी है वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता इसीलिए एहतजाजन किसी ने खाना पीना छोड़ दिया पत्ते खाए वो जंगलों में चला गया वो मुराकबों में रहा कि जल्दी से ये वक्त गुजर जाए मेरा आंख उठा के दुनिया नहीं देखना चाहता मैं जल्दी जल्दी टाइम बस गुजर जाए ये फिर जो है उसको रूह को मुराकबा करना सिखाया वो मुराकबे के जरिए जिसम से बाहर आना शुरू हो गई जब वो बाहर आना शुरू हो गई तो उसको फिर मजा आने लगा कि चलो मेरा अब इससे जो है ताल्लुक जो है वो थोड़ा कुछ घंटे के लिए तो आराम मिलेगा वो जो रूह है वो जिसम में जिसम में रुकना नहीं चाहती नहीं। उसको वहां बहुत ही परेशानी है जिसम में बहुत परेशानी बहुत है जब तक वो बेहोश थी तो उस वक्त तो कोई परेशानी थी ही नहीं क्योंकि होश में ही नहीं है फिर जब वो बेदार हो गई तो अब परेशानी पैदा हुई। उसके बाद उसका एक फेरा ऊपर का लगा जब ऊपर चली गई हो के आई देख के आई रू उसको फिर याद आ गया मैं तो यहां थी, थे बिलावज मुझे नीचे भेज दिया बड़ी जिद की उसने मैंने वापस नहीं जाना बड़ी जिद की कि वापस नहीं जाना ठीक है ना तो फिर जो है जबरी उसके नबी को बुला के लाते हैं उसको कहते हैं चलो वापस हाँ <laughs> जिस जिस कौम का ये है उस कौम के नबी को बुलाओ कि चलो निकालो इसको यहाँ से फिर नबी उसको कहता है देख जो टाइम लिखा है वो पूरा करना पड़ेगा जमीन पे ठीक है अब तू जिद मत कर तूने दोबारा भी आना है ना यहाँ पे तो जिद मत कर तो फिर वो इस बात पे राजी होता है हाँ हाँ मैंने आना है उसके बाद फिर जो है उसको इजाजत मिलती है कि चलो हफ्ते में इतनी दफा आ जाओ फिर वो उधर आना जाना शुरू हो जाता है तरह 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 तरह। <coughs> उसके बाद वो जो रूह है फिर उसको ड्यूटी पे जब लगा देते हैं अल्लाह की तरफ से ड्यूटी पे लगा देते हैं तो ड्यूटी पे जो सबसे ज्यादा बेचैनी का इजहार करती है रूह कि नहीं नहीं मुझे जाने दो उसको दिखाया जाता है ये तेरी उम्र है इतना अरसा तूने दुनिया में रहना है लेकिन अगर वो गड़बड़ करे कि नहीं मुझे जल्दी भेजो तो फिर उसको ड्यूटी पे लगा देते हैं कि चलो ड्यूटी पे बिठा दो इसको। अब जब ड्यूटी में बिठा देते हैं तो उसके बाद वो जो उसकी अजली उम्र होती है वो काट देते हैं हाँ फिर अब रब की मर्जी है जब तक रखे समझ में आ गई बात उन्हीं लोगों को जो है ये तालीम दी अल्लाह ने कि जैसे ये जो मोमिनीन है ये सारे चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मर जाएं और अपने रब से मुलाकात कर लें तो ये जो मुसलमान जो मोमिन होने का दावा कर रहे हैं इनको रसूलुल्लाह कहो फतेमुल मौत इनकुन तुम साद इनको कहो कि तुम तो मौत की तमन्ना करते ही नहीं हो तुम किधर से सच्चे लोग आए <laughs> क्योंकि जो मोमिन होता है उसकी तो बेचैन होती है ना कि अब निकलूं अब निकलूं यार को देखूं जाके वापस ही ना आऊं वो तो हर वक्त उनकी यही तमन्ना होती है बस निकल जाओ इधर से उनका दुनिया में दुनिया में कहां दिल लगता है एक शायर ने कहा कि फरागत नहीं दीदे गौहर से जिनको वो दुनिया को मिसले रसम देखते हैं वो तो बस रस्मी तौर पर जी रहे हैं उनका दिलचस्पी का सामान कहीं और है असल चीज वो रूई है बाकी लतीफे तो उसकी जद में नहीं आए थे ना ये जो लतीफे बाकी हैं ये नहीं आए थे इनको फिर लगाना पड़ता है ये सिर्फ मदद के लिए है मर्तबे बढ़ाने के लिए मदद के लिए क्योंकि जब तुम मर जाओगे लतीफे तुम्हारे जिंदा हो गए तुम मर गए सिर्फ तुम्हारी रूह पर जाएगी और ये तुम्हारे लतीफे किधर जाएंगे कबर में वली बन के बैठ जाएंगे बैठे हुए होंगे लताइफ कबर में जिंदा तुम्हारी शक्ल में वो आगे से हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे अल्लाह ये सवाल, सवाल लेके आया है, इसको बख्श दे इसकी हाजत पूरी कर दे तो वो जब नन्हे नन्हने हाथों से वो लताइफ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह रद्द नहीं करता है कबर में जो रहते हैं वो यही लताइफ है आप जिस तरह हाजी साहब के कबर बन गई है तो उनकी कबर में भी ये सारे लताइफ उछल उछल के जिक्र कर रहे हैं कल रात को उनकी कब्र में गुजर हुआ मैं करीब गया तो पहले तो बहुत रोए वो रोए इस बात पे कि सैयदी आप क्यों आ गए यहां पुलिस पकड़ लेगी आप तो मैंने कहा नहीं हाजी साहब मैं बातिन में आया हूं तो मजाक में जो है, कहता है जी। बातिन। और उसके बाद फिर मुझे कहने लगे कि देखो मैं जो है अभी कल तक जो है वो बिस्तर पर लेटा हुआ था उठा नहीं जा रहा था मुझसे वो देखो कितना करम हो गया अब मैं देखो उछल उछल के जिक्र कर रहा हूं मैंने कहा हाजी साहब आपका जिसम नहीं है कहते है नहीं यही जिसम है मुझे धोखे में नहीं रखो अब तो मैं उछल रहा हूं तो वो लताइफ उनके कबर में उछल रहे हैं या गो हर वो इसी में लगे हुए रूह ऊपर चली गई अब जब लताइफ कबर में जिक्र कर रहे हैं उनके तो रूह क्या कर रही होगी ऊपर रूह तो और ज्यादा बिजी होगी ना अब ये सारे उम्मती वगैरह वहां बन गए और एक तादाद मखसूस तादाद जो है मखसूस हो गई जितनी रूहें वहां पर उसकी जद में आई थी वही उम्मती हैं अब लोग यहां कहते हैं फर्ज किया कि रहमानों का जो नाम वहां पर इजहार हुआ था फर्ज किया कि वो नाम की जो शुआएं हैं वो दस हजार रूहों पर पड़ी, तो वो दस हजार रूहें उम्मत बन गई सही है जिस पर नहीं पड़ी, वो उम्मत में शामिल नहीं है क्यों जी? जिस पर नहीं पड़ी, अब तुम जब तबलीग करते हो चलो जी आओ पकड़ के लाओ उसको मुसलमान बनाए तूने कलमा तो उसको पढ़ा दिया तुझे ये कैसे पता चलेगा ये इसके अंदर जो रूह है उस रूह के ऊपर भी इसमें इजहार हुआ है इस रूह को भी हुजूर ने अपनी उम्मत में योम अजल में शामिल किया है ये तुझे कैसे पता चलेगा <laughs> नहीं पता चलेगा ना तो तू कलमा पढ़ाता रहे ये कलमा पढ़ पढ़ के कोई तालिबान बन जाएगा कोई दाइश बन जाएगा उम्मत ही थोड़ी बनेगा कोई सुन्नी बन जाएगा कोई शिया बन जाएगा कोई वहाबी बन जाएगा कोई बरेल बन जाएगा क्योंकि उम्मीद ही तो खत्म हो गई ऊपर अब तू कलमा पढ़ा पढ़ा के या तो कादियानी बनाएगा या ब्रेल भी बनाएगा तो बस यही बनाएगा ना उम्मत ही नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता उम्मती की तादाद पूरी हो गई है ये मैं नहीं कह रहा कुरान मजीद में कहा है लेकुल उम्मिन आजिल हर उम्मत के इख्तिताम का एक वक्त मुकर्रर है एक तादाद है उम्मतियों की आप कलमा पढ़ के खुद ही उम्मती बन बैठे हैं मर्जी है आपकी लेकिन अल्लाह तो इसको शुमार नहीं करेगा उम्मत में उम्मती होने के लिए क्या जरूरी है कि योम अजल में तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेवड़ में था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप था तो उसमें था अब जब जिनके ऊपर इसमें अल्लाह की तजली का इजहार हुआ था उनको अब फिर हुजूर पाक के साथ कर दिया ना तो फिर हुआ क्या फिर वो रूहें हुजूर पाक के साथ रहीं, खुद ब खुद उनमें मोहब्बत हुजूर की पैदा हो गई क्योंकि रूहें साथ रही ना सीखनी थोड़ी पड़ती है मोहब्बत रसूल सीखना नहीं पड़ती वो तो रूह के अंदर रंग चढ़ा हुआ था मोहम्मद रसूल का योम अजल में ही वो तो साथ ही रहते थे उधर क्यों भाई वो तो साथ ही रहते थे एक दफा हमारे जहन में भी ख्याल आया कि जब ये मुसलमान का इंतकाल होता है कबर में जाता है तो इसको हुजूर पाक की छबी क्यों दिखाई जाती हुजूर पाक के जमाने में जिन्होंने हुजूर का दीदार किया था चलो उनके मरने पर उनकी कबर में दिखाई जाए तो बात समझ में आती है कि ये पहचान लेंगे अब उस जमाने के बाद जो लोग आए हैं पैदा हुए हैं मुसलमान हुए हैं वो जब मरेंगे कब्रों में जाएंगे उनको क्यों दिखा रहे हो की भी वो कैसे पहचानेंगे हमने सोचा ये तो गलत बात फिर जब ये पता चला है नहीं जितने भी उम्मती हैं वो सब ऊपर तो देखा था उन्होंने देखा ही नहीं था हजूर की सोहबत में थे और मैं कहता हूं अल्लाह की कसम अगर मैं ये तालीम तुमको बता दू तो हर वो शख्स जो वहां हुजूर के सहाता से आबी है किसी भी जमाने में पैदा हो जाए भी किसी भी जमाने में पैदा हो जाए वो इस दुनिया से बेहतर जो जगह थी हुजूर पाक की रूह है अनवर जहां थी तेरी रूह उस वक्त हुजूर पाक के सोबत में थी ना तो इधर की सोबत से बड़ी तो रू रू की सोबत है ना हम तो कहते हैं अल्लाह कसम पूरी उम्मत मोहम्मद सहाबी है। अगर वो रसूल नहीं तो उम्मती नहीं है क्यों नहीं है ना उधर बाद में होगा। था। उनके साथ ही था ना वो साथ थे तो बस ठीक है जब हमको ये पता चला तो फिर दिल को ठंडक हुई ऐसी कोई बात नहीं है जमाना बदलने से क्या होता है देखने की बात जहां तक है तो हम तो वहां टाइम गुजारा है उनके साथ देख लिया पहचान लेंगे फिर जो मूसा की उम्मत थे जब उनकी तादाद पूरी हुई तो उनमें भी विलायत खत्म कर दी विलायत की जरूरत क्यों पड़ा कि उम्मत की तादाद अगर दस हजार थी और नबी का टाइम पूरा हो गया और नबी के विशाल हो गया तो अब तीन हजार तो नबी ने उम्मती बना लिए सात हजार रूहें अभी उम्मत की बाकी हैं उसके लिए वलियों को भेजा कि तुम इल्म बातिन के जरिए बाकी रूहों को भी उम्मती बनाओ फिर कोई वली आया दो चार सौ उसने बनाई उसके बाद एक वली आया पांच छह सौ उसने बनाई विलायत चलती रही और जब उधर खाली हो गया सारी उम्मतियों की जो रूहें थी वो सब नवाजी गई अब ऊपर खाली हो गया तो उस मजहब में विलायत खत्म हो गई क्यों खत्म हो गई भाई अब क्या करेंगे ऊपर नहीं रही। वो भी की तरह थोड़ी है। काले पीले नीले पीलों को कलमा पढ़ाते रहे अल्लाह का तो हर काम का मकसद होता है ना अल्लाह का मकसद तो ये था और फिर जब उसने देखा कि एक जमाने में जरूरत तो एक ही वली की है और आ दो चार गए हैं तो उसने कुछ ऐसा किया कि एक को हालत सहब में रखा बाकियों को मज़ूबी में डाल दिया कि चलो तुम जंगल में बैठे रहो जबरदस्ती कुछ तो ऐसे थे जो खुद ही चाहते थे कि हमें मज़ूबी बना दो कुछ ने ख्वाहिश जाहिर की जो एक वली था मैं नाम ले लूंगा एक वली था उसने कहा अल्लाह मुझे मजहूब बना दे तो अल्लाह ने कहा क्यों तो कहता जी मैं नमाज नहीं पढ़ सकता <laughs> अल्लाह ने कहा चलो चलो हो गया। क्यों? एक वक्त में एक ही ड्यूटी वाला होता है क्योंकि उसकी तादाद मुकर है फिर अल्लाह ने जमाने के साथ साथ चलाना है कि इस जमाने में इतने मोमिनों को भेजूंगा इस जमाने में इतने ताकि कोई भी जमाना मोमिनों से खाली ना रहे अब हुजूर हजूर सलम की जो उम्मत थी ऊपर रूहों का जो रेबड़ था अब वो खाली हो गया है फाइल बंद हो गई है उम्मत ही अब कोई बन नहीं सकता क्यों कि जितनी भी रूहों के ऊपर इसमें जात की तज्ली पड़ी थी वो सब नवाज दिए गए अपने अपने मकाम को पहुंच गए अब वहां जो रेवड़ है ऊपर आलम अरवा में जो मोहल्ला है जो नशिश्ते मोहम्मदी है वहां अब कोई रू नहीं है खाली है ना मूसा का कोई रू बाकी है ना ईसा का रू बाकी है कोई किसी की रूह बाकी नहीं सारे मोहल्ले उधर खाली हो गए अब ये जो जिन मोहल्लों से ये आ रहे हैं ना आधे तीतर आधे बटेर ये वो दुनियादार जो मोहल्ले हैं उनसे आ रहे हैं ये ऐसे ही लोग हैं अगर कोई गौरशाही के क्रम में आ गया किसी ने उनकी खिदमत कर दी तो नवाजा जाएगा नहीं तो जो मर्जी आए मजहब इख्तियार कर ले किसी काम का नहीं है बेकार है क्योंकि वो रुए तो सारी काम में आ गई क्यों जी? तो इसलिए एक वक्त था कि जब ईसाइयों में भी वली थे यहूदियों में भी वली थे हिंदुओं के अंदर भी भेजे वली सब में भेजे उसके बाद जब उम्मतों का कोटा पूरा हो गया अब बारी आई है गोले वालों की और गोले वाले ऐसे हैं जो सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनका जिक्र चलता है और उनको जो है वो महसूस ही नहीं होता जबकि हमने देखा है कि जिक्र चल रहा है महसूस क्यों नहीं होता है कि उनको उस गोले की तलब है और उनको अभी जिक्र कल भी मिला है हम जानते हैं कि उनका मकाम आगे का है लेकिन जो जिस माहौल में वो रहे हैं अभी उनमें ताब नहीं कि हमारी उस खास बात को समझ जाए इसलिए जो है अभी हम उनको बता नहीं रहे कि तुम्हारा जिक्र चलता है लेकिन मजा इसलिए नहीं आ रहा इसमें कि तुम्हारा जो है वो ताल्लुक गोले की नूर की तजलियों से है आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हारी बात समझ में आएगी फिर तुमको उसका फैज देंगे अजीज शरीफ में भी आया कि योम मशर में उम्मतों तो की पहचान नूर से होगी ये बात या वूदों से चमक रहा दाऊद सलाम की उम्मत या खुदूसों से चमक रहा यह ईसा सलाम की उम्मत ये या रहमानों से चमक रहा यह सलाम की उम्मत और ये जो अल्लाह से चमक रहे ये यह पाक की उम्मत है तुम्हारी शक्लों के तुम्हारे नाम के हजारों लोग होंगे ऐसे थोड़ी पहचान होगी तुम्हारी शक्लों और नामों से जो जिस नूर से चमक रहा होगा वो उसी की होगा। और जो बगैर शनाख्त के सबसे ज्यादा चमक रहे होंगे ये इमाम महदी के है। कोई नाम नहीं होगा चमक सबसे ज्यादा होगी कोई नाम नहीं होगा चमक ज्यादा होगी नाम क्यों नहीं होगा नाम तब होगा ना जब नाम का नूर होगा ये तुमको जिक्र कल्ब क्यों दिया था इसमें जात का जिक्र कल्ब इसलिए नहीं कि तुम्हारी मंजिल था वो जो मुनवर रूह है उस तक पहुंचने के लिए दिल का जिक्र है वो नाम रूह का नहीं है वो जो नाम इसमें जात दिया वो दिल को दिया है तुमने समझा चाहिए मैं भी उम्मत ही हूं नहीं तुम्हारे दिल को दिया है तुम्हारी रूह को किधर दिया है दिल को क्यों दिया है तो रास्ता बने तक रसाई हो पहुंचे हम क्यों जी अब जब सर्दी होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे एक बनियान पहना फिर उसके ऊपर एक बनियान पहना फिर उसके ऊपर एक शर्ट पहनी तो कपड़े पहनते हैं या तो सर्दी से बचने के लिए या अपने जिस्म को ढांपने के लिए हया के लिए ठीक है ना तो ये तीन तीन क्यों पहने हुए क्या शर्ट के नीचे जो टी शर्ट है वो इसलिए पहनी हुई है कि शर्ट को सर्दी लग रही है नहीं ना इसलिए <laughs> नहीं लग रही असल चीज जो चीज है ना वो जिस्म को कवर करने की है उस जिसम की जो गर्मी है वो जिसम में ही रहे इसलिए दो दो तीन तीन जो है वो बनियान पहने हुए हैं शर्टें पहने हुए हैं इसी तरह जो तो असल चीज है वो रूह तक पहुंचना है जो असल चीज है रू तक पहुंचना है तो रू तक पहुंचने के लिए अब कल्ब की शर्त यह कि पहले इसको बेदार करें कल्ब की शर्त है यानी उस रास्ते की शर्त तो कल्ब को बेदार करने के लिए दिया चलो जी तुम भी पढ़ो अल्लाहू अल्लाह अल्लाह दिया है तुम्हें लेकिन तुम हैसियत कुछ और है तुम्हारी ये अल्लाह तुम्हारे कल्ब को खोलने के लिए दिया है ताकि उसको खोलो और रूह तक पहुंचो उसको खोलो फिर जब रूह तक पहुंच जाओगे तो क्या होगा फिर आखिरी जमाने में अल्लाह किसी एक खास रूह को भेजेगा आखिरी जमाने में वो तुमको याद दिलाएगा जैसे आज याद दिलाया है। वो तुमको याद दिलाएगा कि कभी तुमने भी रब से मोहब्बत की थी वो कभी कौन सा वक्त था इस दुनिया की बात तो नहीं हो रही ना वो उधर की बात हो रही है ना कि कभी तुमने भी उससे मोहब्बत की थी वो रब का एक खास नाम अता करेगा जो दिल से होता हुआ रूह तक पहुंच जाएगा रू से होता हुआ नहीं दिल से होता हुआ रू तक पहुंच जाएगा वो नाम एक नया जोश एक नया वलवला एक नई मोहब्बत पैदा करेगा और तुम्हारा रब से दोबारा ताल्लुक जुड़ जाएगा दोबारा दो क... तो उस वक्त जुड़ता है जब पहले भी हो पहले तुम्हारा अरब से ताल्लुक किधर था उधर ही था ना वो पिंडी में थोड़ी था उधर ही था ना आने से पहले वो जब गोला फटा था उसकी जद में आए थे वहां भी उसी आबशार में नहाए थे फिर जब इधर आ गए इधर भी उसी आबशार में नहा तुम्हारा अरब से ताल्लुक दोबारा जुड़ जाए दोबारा तभी जुड़ता है जब पहले जुड़ा हुआ हो फिर कट गया हो वो कटा कैसे जब तुम्हारी रूह इस दुनिया में आई बेहोश हो गई तो रब तक कट गया फिर जब वो बेदार होगी नू उस खास नाम के जरिए फिर जुड़ जाएगा अब ये अल्लाह बैठा हुआ है यहां रूहें हैं, कतार दर कतार सारी रूहे खड़ी हुई है उसके सामने अब उसने बनानी है उम्मतें उम्मतें यहां नहीं बनाई वहीं बनाई सबसे पहले उसने अपने असमा का इजहार किया असमाए इलाही इजहार किया था ना उसके जो नाम हैं, असमाए इलाही अब उसने सबसे पहले तो अंबिया एक राम के ऊपर इजहार किया सामने रखा वो उनके अंदर घुस गए ठीक है ना अब जब घुस गए तो फिर यहां पर कतार लग गई जैसे ये हो गया ईसा या कद्दूसो ये हो गया मूसा या रहमानो बाकी भी हजूर पाक का ले लें अल्लाह ठीक है ना तो अब एक एक इसम का इजहार एक एक नबी के सामने हुआ एक इसम का इजहार सिर्फ अकेले नबी के सामने हुआ तो सारा वो उस इजहार का नूर उस नबी में चला गया फिर उसके बाद फिर उस एक इसम का हजारों रूहों के सामने इजहार हुआ तो वो उम्मत पूरी उम्मत में बट गया और पूरी उम्मत में जो नूर दिया वो सारा का सारा इज्तिमाही तौर पर उस नबी में भी है जो पूरी उम्मत में नूर है तो कोई नबी के बराबर कैसे हो सकता है कोई नबी के बराबर हो सकता है कैसे नहीं हो सकता कि उस इसम का अकेले इसम का पूरे के पूरे का इजहार उस नबी के सामने अकेले हुआ है उसके बाद फिर वो जो रूहें उनके लिए मुंतखब होने वाली हैं तो उस एक इसम का इजहार फिर सबके लिए हुआ है तो फिर इन नबियों को खड़ा किया फिर जो जो इस नाम की जद में आया वो उसका उम्मती बनता गया तो वही फैसला हो गया तो वहीं से जो है ना मोहल्ले जुदा जुदा हो गए अब क्या हुआ फर्ज किया अब हुजूर पाक की बात करते हैं सही है? अब हुजूर पाक के साथ रूहें लाके खड़ी कर दी सही है ना अब ये समझ लें कि ये हुजूर पाक हैं, अब ये ये समझ लें कि यह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और इनके इर्द गिर्द सारी रूहें इकट्ठी हो गई जिनके ऊपर इसमें जात का इजहार हुआ था सारी रूहें इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई अब फिर हुजूर सल्लल्लाहु हजूर वसल्लम ने अपने जमाने के हिसाब से कुछ रूहों को अपने साथ इर्द गिर्द रखा और तखमीना लगाया कि मेरे इन तेईस सालों में कितनी रूहें आएंगी फर्ज किया फर्ज के हुजूर पाक की उम्मत जो थी वो एक हजार पर मबनी थी रूहों की सही है तो हुजूर पाक ने उसमें से पच्चीस ले ली कि चलो ये मेरे जमाने में आएंगी बाकी रह गई नौ सौ पिचहत्तर उनके लिए दूसरी सफ में जो वली खड़े हुए थे उनको बुलाया उनके ऊपर भी उसी इसमें जात का इजहार किया गया फिर उनको बुलाया कि चलो अब ये समझ लें, ये हो गया हसन बसरी कुछ रूहें जो है इसके साथ लगा दी फिर ये हो गए मौला अली कुछ रूहें इनके साथ लगा दी ये हो गए गौसे आजम कुछ रूहें इनके साथ लगा दी जो रूहें मौला अली के साथ लगाई उनमें खुद ब खुद मौला अली की मोहब्बत आ गई उनकी रूह साथ रहती थी ना इंसाफ करो इस इलम को देखो ये हक है सुनो गौर करो ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा जो मौला अली की सोहबत में थी उनमें खुद ब खुद मौला अली का रंग चढ़ गया हाँ। उन्हीं को कहा मन कुन तो मौलाऊ फाली मौलाऊ सबके लिए थोड़ी कहा फिर जिनको गौश आजम के साथ वहां लगाया था उन पर गौश पाक का रंग चढ़ेगा मौला अली का तो नहीं चढ़ेगा ना टेक्निकल बात हो गई ना अब आप कहो कि सब में एक ही जैसा रंग हो ऐसा कैसे हो सकता है भाई जिसको योम अज़ल में गौस पाक के साथ लगाया था उसके ऊपर गौश आजम का रंग होगा ना <coughs> जिसको बाहू सुल्तान बाहू के साथ ऊपर लगाया होगा उसमें बाहू का रंग होगा वो बाहू का जिक्र ज्यादा करेगा गौस पाक का कम करेगा मौला अली का कम करेगा और जिनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन्होंने अपने साथ लगाया उनमें मोहम्मद का रंग ज्यादा होगा इस तरह यहां पर यह औलिया की भी तकसीम हो गई तखमीना लग गया कि इतने बंदे हैं इतने वली चाहिए तो इतने वली चाहिए तो अगर दो हजार वली बन जाते हैं मेरी उम्मत में तो उसके अंदर से पांच सौ को ड्यूटी पे लगाना है और जो पंद्रह होंगे उनको जंगलों में रखो या मजबूत बनाओ पांच सौ का नहीं बढ़ना चाहिए समझ में आई बात तो अब ये पांच सौ वली फर्ज ये नंबर जो है ओरिजिनल नंबर नहीं है ये है ये मफरूजा तो फर्ज कर लिया कि अब हुजूर ने तखमीना पहले लगा लिया कैसे नहीं लगा सकते जब 1400 सदियों में क्या होना है ये बता दिया है उन्होंने तो 14 सदियों में कितने मोमिन आएंगे इसका तखमीना नहीं लगा सकते थे वो 14 सदियों तक का हाल बयान किया ना हुजूर ने तो 14 सदियों में कितने मोमिन होंगे किसके जरिए फैजयाब होंगे इसका नहीं पता होगा उनको सब पता होगा ना तो लगा लिया ये कि भाई यहां तक आके मेरी उम्मत जो यहां पर है सारी फारिग हो जाएगी अब उसके बाद जो है छुट्टी उसके बाद विलायत की जरूरत नहीं तो लिहाजा विलायत खत्म हो गई जब वो उम्मत पूरी हो गई अब जब विलायत खत्म हो गई तो इसका मतलब है कि अब उम्मतें खत्म हो चुकी हैं फिर आ गए इमाम मेहदी अलत उम्मतें तो खत्म हो गई पूरी हो गई जाहिर वालों से बात नहीं कर रही है उनसे बात कर रहा हूं बातिन वालों से उम्मतें तो खत्म हो गई अब कोई उम्मती तो बनेगा नहीं ना आदम का उम्मती बन सकता ना इब्राहिम का उम्मत ही बन सकता सारे नंबर उनका पूरा हो गया ना नई इस सलाम का कोई उम्मती ना हजूर पाक का कोई उम्मती बन सकता जो उम्मतों का फिगर था वो पूरा हो गया और फिर अल्लाह ने डिसाइड भी कर लिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा अब कोई रसूल नहीं आएगा जब उम्मतों का फिगर पूरा हो गया तो अब कोई वली भी नहीं आएगा तो फिर अब इमाम मेहदी को क्यों भेज रहे क्योंकि अब वो आएंगे जो गोले की जद वाले थे इसलिए अपनी किताब पे लिखा कि जो रब के इश्क और विशाल के लिए बेचैन है ये तालीम उनके लिए है जन्नत के मुतलाशियों के लिए ये तालीम और ये रास्ता नहीं है क्योंकि उम्मत उन्होंने तो जन्नत में जाना है ना ये तो गोले वाले हैं जन्नत वाले थोड़ी हैं ये बात समझ में आ गई है तो कोई गौश कोई कुछ यहां से अगर देखें यानी अगर आप यहां से बैतुल मामूर का नजारा करें तो यह नजर आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जामनी रंग में चमक रहा है फिर ये जो रूहों के सफेद सफेद डॉट नजर आएंगे कि ये यूं यूं तवाफ कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात का तवाफ हो रहा है तस्बी के दानों की तरह यूं गोल गोल तवाफ हो रहा है हाँ कोई गौस पाक से कमीज से जुड़ा हुआ है कोई अली की कमी से कोई किसी की कोई ख्वाजा साहब की कमी से जुड़ा हुआ है और पीछे पीछे घूम रहे हैं यह नजारा जब तुम देखोगे ना तब हकीकत तुम्हें पता चलेगी यह नजारा जब नजर आएगा तो फिर पता चलेगा अब यह तो वो बैतुल मामूर में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका एक तवाफ हो वहां अंबिया इकराम ही खड़े हुए इनका तवाफ होता है ये मोहम्मद रसोल्ला की उम्मत है तो ये मोहम्मद रसोल्लाह का तवाफ हो रहा है मुझे बताओ काबा बड़ा या मोहम्मद की जात <laughs> काबा भी हो और मोहम्मद की जात भी हो और तू मोहम्मद को छोड़ के काबे का तवाफ करे तो तेरी जिंदगी है। काबे की क्या औकात है मोहम्मद के आगे मोहम्मद रसोल्लाह की जत तो काबे की भी काबा जा उनसे बड़ा काबा कौन होगा तो बैतुल मामूर में यही होता है तो बैतुल मामूर सबके लिए बराबर नहीं है हर आदमी का जो है वो मुख्तलिफ मकनतीस है वहां पर अभी अगर तुमको लेके भी चले जाए और तुम इस रिंग में शामिल नहीं हो रूहानी तौर पर तो वहां जाके बैतुल मामूर पे क्या करोगे भाड़ झोंकोगे जो जियो इस रिंग में शामिल है किसी भी नबी का रिंग हो ये दायरा जो दायरा हुब में शामिल है तो वो बैतुल मामूर पे जाके जो है उसका काम है इसी दायरे के लिए एक शायर ने कहा था कि नमी दानम च बूद शब जाए कि मन बूदम नमी दानम के मुझे नहीं पता कौन सा मकाम था आधी रात का वक्त था शब जाए शब जाए का मतलब है कि आधी रात गुजर रही गुजर गई थी मन मैं भी वहां था नमीदान बूद शब जाए जब मुर्गी के ऊपर छुरी फेरते हैं आधी गर्दन कट जाती है और वो फड़फड़ाती है उसको कहते हैं रक्स बिस्मिल बिस्मिल का मतलब वो जो बिस्मिल्ला पढ़ते हैं ना जिबा करने के लिए तो बिस्मिल्ला के वक्त जो वो तड़पती है उस तड़प में मुब्तिला था हर आदमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहरसू रख से बिस्मिल बूद हर कोई रख से बिस्मिल कर रहा था जैसे मुर्गी तड़पती है और नाचती है इस तरह तड़प रहा था वो हर शख्स उस महफिल में खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामक खुसरो और कह रहे हैं मुझे लगता है कि खुदा खुद उसका सदर मजलिस था और मोहम्मद शम्मे महफिल बुद हा 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 हाय हाय हा तो करो खुदा खुद मीर मजलिस बुद उस मजलिस का सदर कौन था और वो कर क्या रहे थे रख से बिस्मिल और सदारत किसकी थी खुदा की अगर ये सारे मुफ्त रक्से बिस्मिल में थे तो खुदा क्या कर रहा था वो भी मसरूफ रक़ होगा खुदा खुद मीर मजलिस बुद अंदर लाम का खुशरो मोहम्मद शम महफिल बूद और वो शमा कौन सी थी जिसके गिर्द तवाफ हो रहा था वो शमा थी मोहम्मद की जात परवानों की तरह दीवानों की तरह मोहम्मद की जात के अतराफ में लोग तवाफ कर रहे थे और उन तवाफ करने वालों का लीडर कौन था खुद खुदा था खुदा खुद मीर मजलिस बूद सब जाए के मन बूदम ये वही मकाम है नमी दानम के मंजिल बूद सब जाए के मन बूदम बहारसू रख्स बिस्मिल बूद सब जाए के मन बूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद मीरे मजलिस कौन था भुद खुद खुदा खुदा खुद मीरे मजलिस बुद शब जाए के मन और बूद और मोहम्मद शम महफिल बुध हाय हाय हाय, महफिल। अब ये शमा जल रही है कौन सी क्षमा जिसका जिक्र कुरान ने किया है सूर नूर में जुजाजा, मिसबा, चिमनी के अंदर चराग जल रहा है ये वो चराग चरागे मुस्तफा भी है ये चराग जल रहा है मुस्तफा के इश्क का जात का और रूहें इसके अतराफ में दीवाना महवे मेहवे रक्स है और इस तरह तड़प रहे हैं जिस तरह मुर्गी की आधी गर्दन कट जाती है और वो फड़कती है खुदा खुद मीर मजलिस बुद अंदर लामक खुश रहो मोहम्मद शम में महफिल बूद सब जाए के मंदूदम कुर्रा इश्क अल्लाह के वजूद का ही तो नाम है कुर्रा इश्क अल्लाह के वजूद का नाम है ना न्रा इश्क वो तो इश्क है ना बाइबल में तो यही लिखा हुआ है गॉड इज लव बाइबल ने ये फरमाया ना गॉड इज लव और लव इज गॉड दोनों के हिस्सों पर एक ही चीज है ये अल्लाह और मोहम्मद क्या है जैसे आप जो क्वाइन होता है ना एक पे टेल्स होती है एक पे हेड होता है कहते ये है ये टेल है ये हेड है होता है वो एक ही क्वाइन है यही चीज अल्लाह और मोहम्मद की है <laughs> अल्लाह कहो मोहम्मद कहो एक ही क्वाइन है दो रुख है क्वाइन एक ही है एक हेड बना हुआ है दूसरे कॉइन उस पे रुख पे टेल बना हुआ है जिनका ताल्लुक नहीं होता वो टेल कहते हैं वो हेड को ज्यादा इज्जत देते हैं और जिनको पता है कि ये सिक्खा है इसके ये दोनों रुख हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह और मोहम्मद इकोई गल है <laughs> कोई फर्क नहीं है वो तो कोई फर्क नहीं है ना कैसे फर्क होगा वो किधर से आया फिर बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने अपनी सारे गुण अच्छे अच्छे निकाल के एक अच्छा किरदार बना के सामने रख दिया ये अल्लाह का खूबसूरत तरीन इमेज है जिस इमेज का नाम है मोहम्मद ऑफ गॉड वी आर नॉट सेइंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गॉड बट वट वी आर संग इज मोहम्मद वसल्लम इज द बेस्ट ऑफ गॉड यानी अल्लाह का खूबसूरत तरीन जो रुख है अगर वो देखना है तो मोहम्मद को देखो आगे बढ़ोगे तो वहां से वो अच्छी अच्छी चीजें निकल चुकी हैं पहले ही वो निकल के छुपी हुई हैं। मोहम्मद क्या है हुसन खुदा का छुप जाना मोहम्मद क्या है ताकि कोई असल हकीकत पाना ले इसलिए कहा जी आप मोहम्मद हैं है वो खुद ही विदाउट वो खुद ही है मैं नहीं वो आप ही है आप अपनी करे दिलजोई रांझा रांझा कर दे नहीं मैं आप ही रांझा हूं हाँ वो खुद ही है जिसने मोहम्मद और अल्लाह में फर्क रखा वो काफिर है मुर्तिद को फर्क ही नहीं है एक ही चीज है ना कॉइन है उसके एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है तो अब बताओ कि क्या उस कॉइन को आप हेड्स कह सकते हैं टेल्स, तो फिर क्या कहेंगे कि ये एक कॉइन है इसका एक रुख हेड्स है और दूसरा रुख टेल्स है तो इस तरह अल्लाह की तशरी क्या होगी कि अल्लाह एक जात है इसका एक रुख मबूद है दूसरा रुख मोहम्मद है एक रुख दूसरा रुख मोहम्मद है।, है बात एक ही है तभी हुजूर ने फरमाया मन रानी जिसने मुझे देख लिया मन रा फकद राउल हक उसने कुछ और नहीं देखा उसने सिवाय अल्लाह के जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह के सिवा किसी और को कहां देखा उसने उसी को देखा मन रा फकद राउल हक बुल्ले शाह की समझ में जब ये बात आ गई तो उसने भी यही कहा इश्क़ बुल्ले शाह औखा अवल्ला सूरत है सनम दी सनमदी यार बिना न कोई अल्लाह अल्ला है पावे रब झगड़ा पै जावे यार के बगैर अल्लाह कितने वो तो एक ही कॉइन के दो रुख है ना यार बिना न कोई अल्लाह है पावे रब नल झगड़ा पै जावे फिर एक दफा ये भी कहा कि खा कबाब पी शराब पर बाल हड्डा दी अग खा कबाब पी शराब पर बाल हड्डा दी अग के भाई जो जो शराब और कबाब का मुतलाशी है हमारी तरफ से इजाजत हो जाएगी उसे बस शर्त एक ही है कि अपनी हड्डियों में आग लगा के दिखा खा कबाब तो पी शराब पर बाल हड्डा दी आग, हड्डियों में आग लगा के दिखा चोरी कर ते पन घर रब दा उस ठग देग ठग चोरी कर ते पन घर रब के चोरी कर और ये जो रब रब का जो घर है इसको तोड़ वो रब का घर किधर है ये तेरा दिल इसका ताला तोड़ और चोरी चोरी जा इन चक्करों में मत पड़ इन चक्करों में मत पड़ शरा शरीयत दे महालुचेरे नीमी दी मोरी हु आलम फाजन लंगन नहीं दें दे जो लंगे सो चोरी हो तो चोरी कर ते पनगर रब दा ये जो रब का घर है इसको तोड़ दे क्या तोड़ इसमें जो ताला लगा हुआ है उसको तोड़ना उस ठगांदे ठगनु ठग थक। बड़ा फिरता है मैं ये हूं मैं वो हूं इस रास्ते दाखिल हो तुझे बराबर में बैठोगा नजर आ जाएगा अगर तू इस रास्ते से नहीं गया तो वो कभी भी तुझे नजर नहीं आएगा वो उधर ही बैठ के ठगता रहेगा तुझे कभी कहेगा फबी आई या ला रब्बे कुमाते कजबा कु तू इधर आ ना। चोरी कर पन कर रबदा उस ठगांदे ठगनु ठग थक। तो यही है ये जो रब का घर है तेरा दिल है ना इसके ताले तोड़ और चोरी चोरी अंदर दाखिल हो जा ये तरीका बताया फिर तो लाल शबाज कलंदर ने कहा किसी ने पूछा आया उस्मान मरवंदी चरा मस्ती आलम। क्या लाल शाबाज कलंदर ये हर वक्त जो आप कैफ और मस्ती में रहते हैं इसकी वजह क्या है कैसे ये मकाम मस्ती हासिल हुआ मन याहू दिगर चीज है नमी दानम के याहू याहू और जिक्रे याहू के अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं इसी में फना हो गया हूं इसी तालीम को आसान बना के हमारे लिए सरकार शाही ने रख दिया है सबको चोर बना दिया है एक दफा सरकार ने फरमाया कि हम चोर डाकुओं को साथ लगाएंगे तो मैंने पूछा भाई चोर डाकू कौन होंगे तो कहा वो बहादुर होते हैं फिर उसके बाद पता चला कि नहीं चोर वो होगा डाकू वो होगा जो गौरशाही की मोहब्बत में जाएगा और उस मोहब्बत से ये दिल का ताला टूट जाएगा वो चोर होगा ना जो भी इस दिल के अंदर घर कर गया वही चोर है जो भी नजरे गौरशाही में आया और ये दिल का ताला टूट गया दरवाजा दिल का खुल गया तो बस वही चोर हो गया चोरी करते पनगर रबदा उस ठगांदे ठग थग। नु ठग ठग है ना एक तो बनारसी ठग था एक वो अर्श वाला ठग है वो जो अर्श वाला ठग है ना वो वो काबू में नहीं आता है किसी के काबू में नहीं आता है यही एक तरीका है यही एक तरीका है जिसको रास्ता मिल गया ना उसने यही कहा ना मैं पंज नमाजा नीति ना तस्बा खड़काया बुल्ले नर्शिद ऐव ही जा बख्शाया सुल्तान बाहू ने क्या कहा ऐसा मुर्शिद फड़या कामिलहू अपेलाशी सारा हो सारी की सारी चीज मुर्शिद के ऊपर से शुरू होती है मुर्शिद के ऊपर ही खत्म हो जाती है मुर्शिद की जात से शुरू मुर्शिद की जात पे खत्म यही राह सलूक है मुर्शिद से हटके कहीं अलग राह सलूक नहीं है और अगर आप कहें नहीं मैं तो चल रहा हूं तो चलता रहे रास्ता तो नहीं है मंजिल नहीं मिलेगी चलता रहे राधे राधे हर कोई आखे मैं भी आखा रा बिना गौहर तेनू राह नहीं हो लबनी रुलमरसी विचरा दे हर कोई कहता है कि जी मुझे हिदायत दे ई दिन मुस्तकीम ई दिन असरात मुस्तकीम हर कोई आखे मैं भी आका ईदिनत मुस्तकीम पर बिना मुर्शद तेनू राह नहीं हो लभना बगैर मुर्शिद के हिदायत नहीं मिलेगी रुल मरसी विचरा दे ये इतने सरात मुस्तकीम पढ़ता पढ़ता तो मर जाएगा रास्ता नहीं मिलेगा रास्ता उन्हीं को मिलेगा जिनको मुर्शिद कामिल मिल गया और अब जो ये मुर्शिद आया है दुनिया में इसको मुर्शिद कहना इसको कहना राहत तरीकत की तोहीन लफ्ज मुर्शिद की तोहीन रब की तोहीन रब के हबीब की तोहीन है क्योंकि ये मुर्शिद नहीं है ये रुश्द है ये मुर्शिद नहीं है ये रुश्द है जीवी ब्रिंगिंग लाइट लव एंड पीस इन योर लाइफ